घर घर मोदी, हर हर मोदी चल रहा था ना, 37% वोट मिले 2019 में, चेक कर लेना गूगल पे, 63% लोगों ने खिलाफ वोट किया है। धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोग कानून की। ये देश संविधान से चलता है, ये देश मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों से नहीं चलता। मैं गारंटी करता हूँ नरेंद्र भाई हिंदुस्तान के जिस इलाके से खड़े होंगे जमानत नहीं बचेगी उनकी। आज का वो दृश्य है, अगर ईमानदारी से फेयर इलेक्शन हुए, अगर 20% का ही हृदय नहीं बदल सकते हम, तो विश्व के गुरु कैसे बन जाएंगे? सोचिए जरा, आप विश्व का गुरु बनने का अभियान कहते हो, साधु संत बनाएंगे। आपने वादा किया था नोटबंदी के समय 50 दिन मुझे दीजिए, आप जहां बोलेंगे मैं आऊंगा। नरेंद्र भाई मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आइए जंतर मंतर पे सामने खड़े होकर के बात करते हैं। अगर देश को बढ़ाना होता तो प्रधानमंत्री जी 66 अरब रुपए अपने विज्ञापन पे अपनी तस्वीर को बड़ा करने के लिए नहीं खर्च करते। पीएम मोदी कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों को जोड़ना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दे दिया कि जाइए लोगों से मिलिए, उनके बीच बैठिए और जोड़ो भारतीय जनता पार्टी से उन लोगों को, खासकर मुसलमानों को। एक तरफ तो सर कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट एक तरफा हिंदुओं का मिलता है, दूसरी तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि मुसलमानों को जोड़ो। अरे अगर मैं ये कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो मेरा मतलब साफ है, जहरीला वायरस है, मैं समाज को बांट रहा हूँ, तो हिंदू तो मुस्लिम तो सिख तो ईसाई। अरे दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है ना, मैं हिंदू बनूँ ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूँ तुम भी इंसान बनो। जब दुनिया में इंसानियत बढ़ेगी, इंसानियत पैदा होगी, तो ये भारत खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। सर एक तरह तो इसका बयान आपने सुना होगा कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान यहाँ रहें, लेकिन सबसे ऊपर वाली जो भावनाएं हैं कि हम राजा थे हम फिर से राजा बनेंगे, इस भावना को छोड़ देना चाहिए। और एक तरफ मोदी जी का बयान, क्या आपस में तालमेल खाता है? ये सारे एंगल हैं समाज को भ्रमित करने के। मैं मोहन भागवत जी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप RSS के हेड हैं जी, क्या गुजरात दंगे में आप न्याय दिला सकेंगे उन लोगों को जिन बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया, और दिल्ली के उस आंदोलन में CAA में जिन लोगों को मौत की नींद सुलाया गया उनको न्याय दिला पाएंगे आप? और कितने लोगों को मारा जा रहा है, कितने लोग गायब हो रहे हैं, ये सारा नैरेटिव जो आप सेट कर रहे हैं ना, इससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा भागवत जी, आपको अपनी सोच बदलना होगी। और नरेंद्र भाई को समझाइए आप, इसलिए मैं कहता हूँ मैं खोज रहा हूँ राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को, मुझे तो कोई लौट कर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ मोहन भागवत जी, ये समय कुछ है हमारे पास प्रकृति की बगिया में, आज हमें कल नहीं रहेंगे, तो ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। अरे कितने आप और हमारे जैसे आए और लौट गए, अरे इस भारत को बनाओ लोकतांत्रिक देश, दुनिया आपको सलाम करेगी कि मोहन भागवत जी ऐसे RSS के मुखिया बन के बैठे थे जिन्होंने समाज की सोच को ही बदल दिया। ये तो हमारे 20% है ना मुस्लिम भाई भारत में, 20% 80% तो हम हैं ना हिंदू भाई, अगर 20% का ही हृदय नहीं बदल सकते हम, तो विश्व के गुरु कैसे बन जाएंगे? सोचिए जरा, आप विश्व का गुरु बनने का अभियान कहते हो, साधु संत बनाएंगे, तो मैं संत का बाना पहन के खड़ा हूँ, मैं भी RSS से जुड़ा हुआ रहा हूँ। हमारे मेरे क्षेत्र में कुशाभाऊ ठाकरे जी, बाबा साहब नाथो जी, ये आडवाणी, वो दो तो चले गए ब्रह्मलीन हो गए, आडवाणी जी तो जिंदा, इनसे पूछ लीजिए, हमारे घर पर खाना खाने आते थे और बोलते थे, क्या बोलते थे, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। क्या भाग्य बदल गया? झारखंड में क्या रहो, आदिवासी सड़कों पे बेचारे लाइन लगा के खड़े हैं। आपके पालघर में जब दो संतों को मारा गया, वहां भी मुस्लिम एंगल ढूंढ रहे थे लोग, अच्छे अच्छे धर्माचार्य मुस्लिम एंगल ढूंढ रहे थे। मैं पालघर में काम करता हूं बच्चों में, वो IQ लेवल का मैटर है और IQ लेवल का सारा प्रॉब्लम है। IQ लेवल पे काम करिए ना आप, आपको तो मौका मिला है, समय जा रहा है, एक एक सेकंड आपके हाथ से फिसल रहा है, ये समय लौट करके नहीं आएगा। जागिए, समाज को जगाइए, वर्जनाओं को तोड़िए, एक नए समाज के निर्माण के लिए बोलिए। इस संसार में सिर्फ दो जातियाँ, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। तोड़िए इस वर्जनाओं को और एक नए समाज को आकार देने का मौका है आपके पास, इतिहास आपके लिए तैयार खड़ा है, आपको स्वर्णाक्षरों में स्थान देगा। इसके उलट कोई नहीं पूछेगा, त्याग तपस्या का देश है भारत, त्याग और तपस्या को बड़ा करिए प्लीज, मेरी आपसे प्रार्थना है। हम करें राष्ट्र आराधन तन से मन से धन से तन मन।
जन धन जीवन से हम करें राष्ट्र अर्चना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सुनिए तो पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अमृत काल जो चल रहा है उसको कर्तव्य काल में हमें बदलना है, कड़ी मेहनत करनी, सारी मेहनत ठोक दो। ये चुनाव जीतने के लिए सारे बयानबाजी है या वाकई इस देश को आगे बढ़ाना है? अगर देश को बढ़ाना होता तो प्रधानमंत्री जी 66 अरब रुपए अपने विज्ञापन पे अपनी तस्वीर को बड़ा करने के लिए नहीं खर्च करते, बच्चे शिक्षा की फीस घटाने के लिए आंदोलन नहीं करते, और किसान 750 किसान शहीद हुए उनके मुंह पे दही जम गया, एक शब्द नहीं निकला। अगर वाकई आप सच्चे हितैषी हैं भारत के, तो भारत की आत्मा गांव में रहती है। मेरे देश का किसान चट्टान की अट्टालिकाओं को फोड़ कर धान उपजाता है। जो 750 किसान मरे हैं उनके शिलालेख के साथ एक बड़ा शहीद स्मारक बनाइए और श्वेत पत्र जारी करिए अपने संविधान के तहत। आपने वादा किया था नोटबंदी के समय 50 दिन मुझे दीजिए, आप जहाँ बोलेंगे मैं आऊँगा। नरेंद्र भाई, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए जंतर मंतर पे सामने खड़े होकर के बात करते हैं। अगर किसान आंदोलन गलत था तो आपने कृषि कानून वापस क्यों लिया? सुप्रीम कोर्ट को आपने सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखा दिया, एसडीएम और डीसी को कहा कि ये आपको सुनेंगे, इसके आगे नहीं जा सकते। आप एक पुस्तक पढ़िएगा नरेंद्र भाई, कभी फुर्सत मिले तो, रिप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोग कानून की। ये देश संविधान से चलता है, ये देश मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों से नहीं चलता। अगर आप देश को, भारत को दुनिया के मस्तक पर सुशोभित करना चाहते हैं तो संविधान के प्रस्तावना के पहले पेज को पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए शरीर के अंग जैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। हम सब मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, एक मिलकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। ये सोच पैदा करना होगी, एक अच्छी सोच से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण। इतने विरोधों के बावजूद किसान आंदोलन चलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल कर लेती है, उसकी टक्कर में कोई दिखाई दे रहा है? विपक्ष में इतनी मजबूती है? बेटा 37% वोट उस समय मिले जब उन्होंने हिमालय पे उनका नाम चल रहा था, हिमालय के बुलंदी पे उनका झंडा गड़ा हुआ था, घर घर मोदी, हर हर मोदी चल रहा था ना। 37% वोट मिले 2019 में, चेक कर लेना गूगल पे, 63% लोगों ने खिलाफ वोट किया है। आप कौन सी दुनिया में हो? आप लोग थोड़ा अच्छा अध्ययन करके प्रश्न करो। 63% लोगों ने खिलाफ वोट किया, बटा हुआ वोट है। आप वोट को एक साथ कर दीजिए, इनकी जमानतें, मैं गारंटी करता हूँ नरेंद्र भाई हिंदुस्तान के जिस इलाके से खड़े होंगे जमानत नहीं बचेगी उनकी। आज का वो दृश्य है, अगर ईमानदारी से फेयर इलेक्शन हुए, रणनीति बना ली है, रणनीति बना ली है चुनाव जीतने की, 9 राज्य प्लस लोकसभा। रणनीति इंदिरा गांधी ने भी बनाई थी इमरजेंसी के बाद 77 में, और जयप्रकाश ने एक आंदोलन खड़ा किया था, सियासन खाली करो कि जनता आती है, और राजनारायण जेल में निरुद्ध रायबरेली से इंदिरा गांधी को चुनाव हरा के जीता था, वो समय भी याद रखना चाहिए। गांव के बीच जाओ, कुशासन से सुशासन तक की कहानी बताओ कि पहले की सरकारें अत्याचार करती थी, भ्रष्टाचार करती थी, तो आप जो पिछले 8.5 साल से तो आपका सुशासन चल रहा है ना, आप RTI में हिसाब मांग लो देश की क्या स्थिति हो गई है। 8.5 साल से तो आप है ना, बच्चा माँ के गर्भ से प्रकट होकर दौड़ना सीख जाता, खिलाड़ी बन जाता है। 8.5 साल वो समय होता है, 8.5 साल को आप ऐसे छोटा मोटा समय मान रहे हैं क्या आप? ये जो समय का पहिया है ना, इसको रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। और युवाओं के हृदय की बात, मैं बच्चों में काम करता हूँ पिछले 45 साल से, मुझे पता है बच्चों की आह क्या है, लेकिन वो जाए कहाँ, मजबूर हैं वो, ये सिस्टम पे कब्जा करके बैठे हैं। उसको समझ नहीं आना चाहिए कि मैंने इसको सीज क्यों कर रखा इलाके को, ये दिल्ली पुलिस के अंडर में आता, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? गृह मंत्री के, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? वो मोटा भाई अमित शाह, चला नहीं जाता उससे ऐसा, और दोनों गुजरात से आते हैं। मैंने मेरी 65 साल की व्यय में पहली बार देखा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों एक स्टेट से आ रहे हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगर आप देश को एक मानते हो, केरल से किरगिल घाटी से गुवाहाटी से चौपाटी तक सारा देश हमारा, तो सबको रिप्रेजेंट करने का मौका दो ना आप। इनके सारे IAS IPS गुजरात के डर के आएंगे और इनके हिसाब से चलेंगे। वो हार्ड कोर क्रिमिनल, उसको CP बनाया, CBI का वो बनाया, BSF का DG बनाया, बताओ ऐसे क्रिमिनल लोग जिसको आलोक वर्मा गिरफ्तार करना चाहता था। तो ये मजाक बना रहे डेमोक्रेसी का, जनता देख रही है। एक बात लिख लीजिए बेटा, ये भोली भाली जनता जिस दिन जागेगी ना,
ये चाहे नरेंद्र मोदी हो, राहुल हो या कोई और हो, जो भी गलत काम कर रहे हैं इनकी सबकी जमानतें जब्त होने वाली है, लिख लीजिए। अमित शाह ने तो नारा दे दिया 400 प्लस का, और जो कहते हैं भविष्यवाणी करते हैं वो साबित भी हुई सारे चुनावों की। मैं तो कह रहा हूँ ये 543 जितनी चुनाव होंगे सारी सीटों पर इनको ही वाकओवर मिलेगा। लोहा आग में तप के फौलाद बनता है, सोना शीशे में जलकर शुद्धता को प्राप्त होता है, जल 100 डिग्री पर भाप बनता है। अभी ये विकृतियों को चरम पे ले जाएंगे और ये जो युवा शक्ति है ना, एक रात में दृश्य बदल देगी, लिख लीजिए। अब कोई नहीं देख रहा, इनकी टीआरपी जा रही है। आपके भाग्य को बधाई है, अच्छे प्रश्न करो बेटा, और जो मेन चीज़ें हैं जीवन के बुनियादी हक, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा में देश की क्या हालत है उस पर प्रश्न करो, वो समाज के सामने ले जाओ। समाज में जागृति आएगी, लोग अपने वोट का सदुपयोग करेंगे, एक नए समाज का निर्माण होगा।